भिलाई नगर थाना में पदस्थ एएसआई से हवलदार के बेटे ने मारपीट की। आरोपी ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर एएसआई को घेर कर उसकी बेदम पिटाई की और उसका सर फोड़ दिया। एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर है। जानकारी की घटना मिलते ही भिलाई नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्ग एसपी सलक सिन्हा ने बताया कि भिलाई नगर थाना में पदस्थ एएसआई गुप्तेश्वर यादव से नगपुरा चौकी में पदस्थ हवलदार यशवंत ठाकुर के छोटे बेटे ने मारपीट की है। दोनों के बीच पहले भिलाई नगर थाना में विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपित ने अपने कुछ दोस्तों को जयंती स्टेडियम के पास बुलवाया। इसके बाद आरोपित ने गुप्तेश्वर को भी फोन कर मौके पर बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसकी बेदम पिटाई की। एएसआई को गंभीर हालत में छोड़कर वे लोग फरार हो गए। वहां उपस्थित लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एएसआई को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। भिलाई नगर सीएसपी निखिल रखेजा ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, आरोपितों की तलाश की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई नगर थाने में पदस्थ एएसआई गुप्तेश्वर यादव पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। शाम में सूचना मिली है कि एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल के बीच में कोई मामूली बात विवाद हुआ, और विवाद के बाद दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें जो हेड कांस्टेबल यशवंत ठाकुर है उसने एएसआई को के साथ काफ़ी मारपीट की है, जिसमें और भी इसने बाहर से लड़कों को बुलाया था। तो इस मामले में को तत्काल संज्ञान में लेते हुए हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है और जो आरोपी पक्ष उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सीएसपी भिलाई नगर से ली जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई और की जाएगी। ये आपस में ड्यूटी के बाद ये लोग साथ में थे शाम के समय, और कोई मामूली विवाद ही हुआ है। एग्जैक्टली क्या कारण है अभी, क्योंकि जो एएसआई है वो घायल है, उनको सेक्टर 9 में भर्ती कराया गया है और हेड कॉन्स्टेबल फरार है। एक बार वो मिल जाते हैं तो उसके बाद फिर पूरी जानकारी पता चलेगी। ग्रैंड न्यूज से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।